गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा, मेरे नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ केवल डिस्कस करूंगा होम्योपैथी के बारे में। तो दोस्तों, आज जो हमारा पहला वीडियो है, आज कॉस्टिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका बच्चों में क्या असर है, बच्चों में हम किन किन कंप्लेंट्स में कॉस्टिकम का यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, कॉस्टिकम एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, वन ऑफ द लीडिंग एंटीसोरिक मेडिसिन। सल्फर, सोराइनम, आर्सेनिकम एल्बम, इनके अलावा बहुत सी कुछ एंटीसोरिक मेडिसिन जो क्रोनिक डिसीजेस बाय मास्टर हनीमन, जो हमारे मास्टर हनुमान जी की बुक उसमें दी हुई है, तो उसमें कॉस्टिकम भी एक लीडिंग होम्योपैथी मेडिसिन है, एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी कॉस्टिकम जो है अच्छा असर करती है, क्योंकि देखा जाता है कि कॉस्टिकम के पेशेंट्स जो है अधिकतर रेस्पिरेटरी और यूरिनरी कंप्लेंट से सफ़र करते हैं। अब अगर डिस्कस करें बच्चों के बारे में, तो अगर बच्चों को जो हमारे स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए कि हमारे नी जॉइंट्स जो होता है उसके पीछे पॉपलेटियल फोसा के पास, और कहीं भी जहां पे स्किन आपस में जो है जुड़ती है और वहां पसीना इकट्ठा होता है, और वहां डर्मेटाइटिस की कंडीशन अगर देखने को मिले, तो ये जो सिम्टम है कॉस्टिकम का सिम्टम है, और टोटैलिटी लेने के बाद आप कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो सिम्टम है लाइकोपोडियम होम्योपैथी मेडिसिन जो एंटीसोरिक मेडिसिन है उसमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर दांतों के गिरते समय अगर बच्चों में कन्वर्जन एपिलेप्सी की समस्या देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी कॉस्टिकम जो है अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा जो ये सिम्टम है स्टैनम मेटेलिकम में भी देखने को मिलता है। ऐसा बच्चा अगर जो थोड़ी ही बातों से चिल्लाने लगे, थोड़ी सी बातों से चिड़चिड़ा जाए, चिल्लाने लगे, इस प्रकार के बच्चे में भी कॉस्टिकम जो है अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं ऐसे बच्चे जो अपना चलना है, जो सही समय उनके चलने का, वो अगर देरी से चल रहे हैं, लेट लर्निंग टू वॉक हो रहा है, वहाँ पे भी कॉस्टिकम जो है यूज़फुल साबित हो सकती है। इसके अलावा कैल्केरिया फास भी इस कंडीशन में इंडिकेट हो सकती है। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग की समस्या में भी कॉस्टिकम जो है यूज़फुल मेडिसिन। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम थे जो बच्चों में होने वाली समस्याएँ हैं, उनमें कॉस्टिकम कहाँ काम कर सकती है, हमने इस बारे में डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हम इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे कॉस्टिकम की जो कॉजेशन क्या क्या है, किन किन कारणों में अगर डिसीजेस हो तो वहाँ पे कॉस्टिकम इंडिकेट हो सकती है। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई व्यक्ति दुख, उसे किसी प्रकार का भी दुख हो और उसके कारण से प्रॉब्लम हो रही हो, वहाँ पे भी जो है कॉस्टिकम इंडिकेट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे फास्फोरिक एसिड जो है वो भी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा नेट्रम म्यूर जो है वो भी लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ में अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग यानी पूरी नींद ना होने के कारण जो समस्या हो रही हो, वहाँ पे भी कॉस्टिकम यूज़फुल है। इसके अलावा कॉक्यूलस इंडिकस और इग्नेशिया भी ऐसी कंप्लेंस जो नींद पूरी ना होने के कारण होती है, वहाँ पे अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी कंप्लेंस जो अचानक जो है डर के कारण, अचानक बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाने के कारण, इन दोनों स्थितियों में अगर कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो वहाँ पे भी कॉस्टिकम जो है यूज़फुल है।
इसके अलावा कॉफिया और जेलसीमियम भी इन कंडीशंस में काम करती है। लास्ट सिम्टम उस पर डिस्कस करें, अगर बहुत ज़्यादा गुस्से और चिड़ेपन के कारण भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे भी कोष्ठकम इंडिकेट करती है। और जैसा कि आप जानते हैं लीडिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है तो स्किन इरप्शंस का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया है। हिस्ट्री में स्किन सिम्टम्स थे, उसके बाद से कोई डिसीज़ जो है उनके जो है दब जाने के बाद या सही तरीके से ट्रीट ना करने के बाद और नए सिम्टम्स जो है दूसरी डिसीज़ के आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोष्ठकम एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के जो है वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और डेली इस प्रकार की जो है नॉलेज लाने का प्रयास करूँगा। कल मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कोष्ठकम के कुछ अलग सिम्टम्स के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।